तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने हमारा थंबनेल देख के ये समझ ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ये बताने वाला हूँ कि आप ये जो बोया का माइक है ये बिल्कुल मत लेना। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये वीडियो में आगे देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखिए, पहले मैंने ये बोया का माइक लिया था जो कि है ये लेवलियर माइक्रोफोन, ठीक है, BY-M1। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इसका प्रॉब्लम, मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको इसमें ये इस टाइप का एक बैटरी लगाना पड़ता है। और ये जो बैटरी है दोस्तों, अगर ये 24 से 36 घंटे में ना अगर आप यूज करें चाहे नहीं करें तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो है ये सारे में, मतलब सारे स्मार्टफोन में या फिर कैमरा में ये ढंग से काम भी नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉबैक यह है कि ये जो यहीं से है ना, इसका माइक ही खराब हो जाता है। आप यूज करते रहेंगे ये तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। इसका सबसे पहले तो ये बैटरी ड्रेन हो जाता है अपने आप, जो कि अगर आप कहीं शूट पे जा रहे हैं और आपका एक बैग बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप समझिए कि आप किस सिचुएशन में पड़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा, मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और बोया का माइक लिया, जो कि आप देख सकते हैं ये है बोया BY-MM1। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, ये देख सकते हैं ये जो है ये बोया का ये माइक है, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल माइक है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ और जब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी जो आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं इस माइक से आप सुन रहे हैं, और इस माइक का आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बोया माइक को ना लें, क्योंकि देखिए हो सकता है आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके पास जो बोया का माइक होगा वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। तो दोस्तों इस हो सकता है आपके पास ऐसा होगा माइक जो बहुत अच्छा चल रहा होगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, इससे मैंने 2 या 3 वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने इसे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया। ये बिल्कुल नया है और इसमें आप देख सकते हैं, अगर ये लगता है कि डुप्लीकेट है तो ऐसा नहीं है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे होलोग्राम इसमें भी लगा हुआ है, और इसमें भी जो है ये देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे होलोग्राम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं शायद आपको दिख रहा होगा ये देख सकते हैं इसमें भी। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ कि एक तो ये इस टाइप का आवाज़ कर रहा है, और दूसरा चीज़ है मैंने जहाँ से इसको लिया था तो वो वहाँ पे गया था, उन्होंने यही बताया कि इसका कोई वारंटी गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले तो इस टाइप का आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये केबल ख़राब होगा, तो मैंने एक नया केबल भी ख़रीदा। तो देख सकते हैं ये जो है हमने ये केबल भी इसका दूसरा ख़रीदा है, ये आप देख सकते हैं ये मेरा नया वाला केबल है, और ये जो है इसके साथ जो है ये पुराना वाला केबल आया था वो आया था। तो मुझे लगा दोस्तों कि हो सकता है इसका ये केबल ख़राब होगा, जो कि ये केबल बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला, क्योंकि ये मार्केट में इस टाइप का केबल बहुत मुश्किल से मिलता है और ये बहुत कॉस्टली भी मुझे मिला, करीब 300 रुपये का मुझे मिला था, बट फिर भी इससे भी ये कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, और ये जो है प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वो माइक में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने 1500-1600 रुपये में माइक को ख़रीदा, 7-8 ये 1600 रुपये का ये माइक है, और ये करीब 800 रुपये का पड़ा था,
और इससे मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, दो तीन वीडियो रिकॉर्ड कर पाया और ये इस टाइप का प्रॉब्लम है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, आप अगर नए नए यूट्यूबर्स हैं और नया नया वीडियो बना रहे हैं और आपको शुरू में ही सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस माइक को बिल्कुल ना खरीदें। तो आई होप अब आप सोचे होंगे कि सही, अगर ये माइक को ना खरीदे तो कौन सा ऐसा दूसरा माइक खरीदे। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि मैंने कुछ माइक ऑर्डर किया है और वो माइक जब हमारे पास आ जाएगा तो मैं उसका फीडबैक लेके, मैं उसको यूज करके उसके बाद मैं आपको खुद उसको बताऊंगा कि वो माइक कैसा है। तो मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाला था। तो आप अगर इसको ले रहे हैं तो आप इसमें सावधान हो जाए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा प्रोडक्ट भी चल रहा है और इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आप इससे कुछ कर नहीं सकते हैं, हम परेशान रहेंगे। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था दोस्तों। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें।